हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबीपीओ मेंस का आपका रिजल्ट आ गया है। जी हाँ, आप लोग बहुत इंतजार कर रहे थे रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। फाइनली आज आपका रिजल्ट आ गया है। एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिन्होंने ये मेंस का जो एग्जाम है वो क्रैक कर लिया है। लेकिन फिर भी ये लास्ट आपका एग्जाम नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको जो है लास्ट आपका स्टेप नहीं है ये, इसके बाद इंटरव्यू क्रैक करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी एग्जाम का। इंटरव्यू में परफॉर्म आपको अच्छा करना है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए बोलना चाहूँगा, निराश मत होइए। आपने गलतियाँ की हैं, आप उनसे सीखिए। देखिए, आप लोग सीरियस नहीं हैं ये हम भी जानते हैं। 10 बजे से डेली हम ऑनलाइन क्विज ऑर्गेनाइज कराएंगे, बोला था आपसे, ठीक है। तो 400 रजिस्टर्ड यूजर्स में से सिर्फ हार्डली 35-40 लोगों ने क्विज अटेम्प्ट की है, जबकि उसमें आपको हाईएस्ट स्कोर करने पे गिफ्ट भी मिलेगा। सब कुछ आपके लिए ही है, आप लोग ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। फिलहाल कोई बात नहीं, क्विज की बात तो कल करेंगे ही कि कैसा क्या रहा। एंड आज तो सिर्फ उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने ये एग्जाम क्रैक कर लिया है। आपने अपनी मेहनत से एग्जाम क्रैक किया है, इसमें और किसी का भी श्रेय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका है कि आपने ये मेंस क्रैक किया है। अब सिर्फ एक स्टेप, वो है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू जो आपका होना है, जिन्होंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया है और गोल्डन करियर को फॉलो किया है, उन्हें पता होगा कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। गोल्डन करियर की वीडियोज ही इनफ होती हैं आपके इंटरव्यू में आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। इतनी अच्छी वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इतनी ज्यादा वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, उससे बाहर के क्वेश्चन इंटरव्यू में आपके आरआरबी के नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और साथ में एक चीज और मैं कोशिश करूंगा, अच्छा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आने वाले 3 से 4 दिन में, या मे भी 2 से 3 दिन में स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने देर से स्टार्ट किया था। इस बार मैं और बड़ा एरिया कवर करना चाहता हूँ इंटरव्यू में आपको। मैं सब लोगों को बहुत बढ़िया कोशिश करना चाहता हूँ कि 65+ सब लोग स्कोर करें इंटरव्यू में, एटलीस्ट जो गोल्डन करियर के व्यूवर्स हैं। तो इंटरव्यू से रिलेटेड क्विज भी स्टार्ट करूंगा, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, जितना मैक्सिमम पॉसिबल चीजें हैं प्रोवाइड कराऊंगा, बट वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि इंटरव्यू के रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। रही बात इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, तो आज से जुट जाइए इंटरव्यू की प्रिपरेशन में। अभी भी एक सीट पे 4 लोग या 5 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप लोग को अगर 2,000 वैकेंसीज हैं तो 8,000 या 10,000 लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने हैं, तो रिमेनिंग 6,000 को पीछे छोड़ना है, काम पूरा हुआ नहीं है। फिलहाल फटाफट जाइए, रिजल्ट देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं तो आप प्रिपेयर करिए इंटरव्यू की, एंड अगर आप नहीं हुए हैं तो भी आप खुश रहिए, आपको और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप डेली क्विज में पार्टिसिपेट करिए, डेली जो मटेरियल दिया जा रहा है पढ़िए। कब तक नौकरी नहीं मिलेगी सोचिए, क्यों नहीं मिलेगी यार, सबका हो रहा है, आपका क्यों नहीं होगा, बस ये सोच के खुश रहिए। बिल्कुल भी निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। बहुत बार बहुत लोग का सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत बार बहुत कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ मेरा आरपीआई ग्रेड बी में हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं तो एग्जाम ही नहीं दे पाया हूँ। इस बार मैंने फॉर्म भरा तो उस दिन नहीं दे पाया मैं किन्हीं कारणों से एग्जाम्स, ठीक है। तो फेल्यूर आते आते रहते हैं। मैं भी चाहता हूँ मेरा नाबार्ड ग्रेड ए में हो जाए, या फिर आरपीआई ग्रेड बी में हो जाए, या फिर इवन एसएससी में हो जाए, क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर को छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन उतनी मेहनत नहीं हो पा रही है क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है, प्लस आप लोग के साथ अभी वीडियो बना के पढ़ाने में मजा आने लगा है, एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है, बहुत से रेगुलर व्यूअर्स हैं जिनसे डेली बात होने लगी है, तो ये सब चीज़ें और मोटिवेट करती हैं करने के लिए। तो लेकिन कोशिश करूंगा मुझे भी एक अच्छी जॉब मिल जाए, आपको भी बैंक की जॉब मिल जाए, फिर बैंक में आने के बाद आपको इससे भी अच्छी जॉब मिल जाए, एंड ऐसे ही सब कुछ चलता रहे। तो दोस्तों बताइएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन को लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। गोल्डन करियर आपकी 100% प्रिपरेशन करा देगा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ आपको, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। एंड लास्ट ईयर वालों को तो ये बात पता ही होगी, एंड जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे कहूंगा आपको गोल्डन करियर के साथ और अच्छे से जुड़ने की जरूरत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है, हर चीज मिलती है, एंड अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स।